नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड बड़ी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A52 के टिप्स एंड ट्रिक्स का पार्ट टू। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करके शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जाके अभी चेकआउट करें। इस फोन में आप लोगों को जेस्चर सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। सिर्फ नॉर्मल कीज़ को छोड़ के आप लोग जेस्चर सेटिंग यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग के अंदर जाना होगा, डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा नेविगेशन बार का ऑप्शन। नेविगेशन बार के अंदर आपको स्वाइप अप जेस्चर्स सेलेक्ट कर देना है। इनको सेलेक्ट करने के बाद आपका फ़ोन जो है स्वाइप अप जेस्चर्स के अंदर आ जाएगा। देख सकते हैं जेस्चर्स चेंज हो गया है और यहाँ पे आप लोग स्वाइप करके अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं और आपको और भी एक इमर्सिव फीलिंग मिलेगा। टच सेंसिटिविटी का एक ऑप्शन दिया गया है, इसको अगर आप लोग ऑन कर देंगे तो आप ग्लव्स पहन के भी अपने फ़ोन को टच कर पाएंगे। चार्जिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो करने का ऑप्शन दिया गया है, उसको अगर आप चाहे तो ऑन या ऑफ कर सकते हैं। एक्सीडेंटल टच प्रोटेक्शन का ऑप्शन दिया गया है, इसको अगर आप लोग ऑन रख देंगे तो पॉकेट में एक्सीडेंटल टचेस आपका फ़ोन नहीं होगा। फ़ोन के अंदर फेस अनलॉक का फीचर दिया गया है। फेस अनलॉक के अंदर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे फेस को देखने के बाद ये लॉक स्क्रीन पर रहेगा कि डायरेक्ट अनलॉक हो जाएगा। फास्टर रिकॉग्निशन का एक ऑप्शन दिया गया है, फास्टर रिकॉग्निशन को अगर आप लोग इनेबल करते हैं तो थोड़ा सा प्रोन होगा एरर के अंदर। कोई भी आपसे अगर सिमिलर दिखता हो तो उसके फेस से भी आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। रिक्वायर ओपन आइज, इसको अगर आप लोग ऑन करके रख देंगे तो अगर आप आँख बंद करके रखेंगे और कोई आपके फ़ोन को आपके फेस के ऊपर लेके जाएगा तो ये ओपन नहीं होगा। ब्राइटन स्क्रीन करेंगे तो ऑटोमेटिक नाइट टाइम के अंदर जब लाइट नहीं रहता है तो ब्राइट करके स्क्रीन को आपको ये फेस को ब्राइट कर देगा ताकि फेस अनलॉक काम कर जाए। इसके बाद चलिए यहाँ पे एडवांस फीचर के अंदर चले आते हैं। एडवांस फीचर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे लिंक टू विंडोज़ का एक ऑप्शन दिया गया है। लिंक टू विंडोज़ को ऑन कर देंगे तो माइक्रोसॉफ्ट की मदद से आप अपने फ़ोन को अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के साथ लिंक कर पाएंगे। कुछ कुछ मोशन और जेस्चर फीचर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, जैसे लिप टू वेक का फीचर यहाँ पर दिया गया है। फ़ोन अगर टेबल पर रहेगा ऐसे और आप टेबल से ऐसे फ़ोन को उठाते हैं तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक वेक हो जाएगा। देख सकते हैं हाथ में उठाते ही फ़ोन वेक हो गया है। डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन और डबल टैप टू टर्न ऑफ का ऑप्शन भी दिया गया है। डबल टैप से ऑफ कर देंगे और डबल टैप से ऑन भी कर सकते हैं अपने फ़ोन को। जेस्चर के सहारे आप अपने फ़ोन को म्यूट कर सकते हैं। आपके हाथ को ऐसे फिराएंगे अपने फ़ोन के अंदर, जब आपका फ़ोन में कॉल आ रहा होगा तो ऑटोमेटिक आपका फ़ोन म्यूट हो जाएगा। पाम स्वाइप टू कैप्चर एक बहुत ही पुराना फीचर है। ऐसे कैरेटर चॉप की तरह हाथ को ऐसे फ़ोन के ऊपर रख के स्लाइड करेंगे तो ऐसे आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं ऐसे स्क्रीनशॉट मेरा आ गया है। इसके अलावा वन हैंड मोड का एक ऑप्शन दिया गया है। वन हैंड मोड को आप जेस्चर की मदद से या फिर बटन की मदद से इनेबल कर सकते हैं। और वन हैंड मोड को आप जेस्चर की मदद से यूज़ कर सकते हैं। ये जो वन हैंड मोड है, इसको जेस्चर की मदद से यूज़ करने के लिए ऐसे नीचे स्वाइप करना पड़ेगा और आपका फ़ोन वन हैंड मोड में बन के आ जाएगा। स्क्रीनशॉट के अंदर टूल बार का एक फीचर दिया गया है। स्क्रीनशॉट को जब कैप्चर करेंगे आप, तब ऑटोमेटिक आपके पास एक टूल बार आएगा। नीचे देख सकते हैं एक टूल बार आ जा रहा है। यहाँ पे आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट को क्रॉप कर सकते हैं, ये सब काम कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन है हाइड स्टेटस बार एंड नेविगेशन बार, यानी कि जब आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे तो ये ऊपर स्टेटस बार और नेविगेशन बार जो है डिसेबल रहेगा, ताकि एक क्लीन एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। शेयर स्क्रीनशॉट डिलीट का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि स्क्रीनशॉट लेने के बाद जब स्क्रीनशॉट शेयर हो जाता है तब ये ऑटोमेटिक उसको डिलीट कर देगा। डुअल मैसेंजर का फीचर मिल जाता है, जिसके अंदर में आप लोग मैसेजिंग ऐप्स को डुअल मोड में यूज़ कर सकते हैं। दो अकाउंट चला सकते हैं आप एक ही फ़ोन से, व्हाट्सएप फेसबुक का दो अकाउंट आप चला पाएंगे। डिजिटल वेलबिंग का फीचर आप लोग को यहाँ पर मिल जाता है। डिजिटल वेलबिंग के अंदर पैरेंटल कंट्रोल्स भी रहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पैरेंटल कंट्रोल्स भी है। पैरेंटल कंट्रोल में अगर जाएंगे तो यहाँ पे इस फ़ोन को अगर आप बच्चे को देना चाहते हैं तो चाइल्ड और टीनेजर सेलेक्ट करके यहाँ पे उनके आईडी से लॉगिन करके और आप अपने फ़ोन में पेरेंट सेलेक्ट करके अपने आईडी से लॉगिन करके आप इस फ़ोन को कंट्रोल कर पाएंगे। कंट्रोल इन द सेंस आप लोग कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, कुछ कुछ ऐप के ऊपर, कुछ कुछ ऐप के यूजेस के ऊपर, ये सब आप लोग काम कर पाएंगे। और डिजिटल वेलबिंग के अंदर जाएंगे तो खुद अपने ऊपर आप थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, जैसे किस ऐप को आपने कितने देर तक यूज़ किया है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और उस ऐप के ऊपर आप टाइमर लगा सकते हैं। मान लीजिए YouTube को आप एक घंटे से ज़्यादा देखना नहीं चाहते
तो यहाँ पे ऐप टाइमर के अंदर जाके आप इसमें टाइमर लगा सकते हैं और इतने टाइम के बाद ऑटोमेटिक ये टाइमर बंद हो जाएगा और आपका फ़ोन के अंदर ये जो ऐप है ये ऐप आज के लिए काम नहीं करेगा। और उसी के साथ में यहाँ पे और भी फीचर्स हैं, जैसे फोकस मोड का ऑप्शन दिया गया है। फोकस मोड के अंदर जाएंगे तो जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया, कुछ ऐप को छोड़ के बाकी ऐप काम नहीं करेंगी। बिट टाइम मोड एक और फीचर है, इसको ऑन कर देंगे तो आपका फ़ोन थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट ग्रे मोड में आ जाएगा, जिससे आपका बैटरी भी सेव होगा और आपको फ़ोन को यूज़ करने में उतना इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा और आप फ़ोन को रख के सो जाएंगे। बैटरी एंड डिवाइस केयर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग बैटरी सेविंग ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर पाएंगे। बैटरी के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं पावर सेविंग मोड का ऑप्शन दिया गया है और मोर बैटरी सेटिंग्स के अंदर जाके देख सकते हैं एडेप्टिव बैटरी पावर को ऑन कर सकते हैं। इसको अगर आप लोग ऑन कर देंगे तो आपके यूजेज के हिसाब से ये ऑटोमेटिक आपके बैटरी को ऑप्टिमाइज करेगा और साथ ही में बैटरी परसेंटेज यही से शो कर सकते हैं आप लोग। फास्ट चार्जिंग आप लोग यहाँ पे इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। डिवाइस प्रोटेक्शन को आप लोग यहाँ पे टर्न ऑन कर सकते हैं। डिवाइस प्रोटेक्शन को टर्न ऑन करेंगे तो यहाँ पे मैक ऐप ही आपका प्रोटेक्ट करेगा आपके फ़ोन को। सैमसंग फोल्डर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे कुछ और फीचर्स हैं, जैसे AR जोन को ऑन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं AR इमोजी कैमरा बना सकते हैं आप लोग, AR इमोजी खुद का बना सकते हैं। AR इमोजी के ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, अगर आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, मैं लिंक छोड़ दूंगा, अलग से उसको यहाँ पर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। AR डूडल आप लोग क्रिएट कर सकते हैं, AR इमोजी स्टूडियो में आप लोग ड्रेस वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं अपने लिए, AR इमोजी स्टिकर्स आप लोग बना सकते हैं अपना। जब इमोजी क्रिएट हो जाएगा तब उसको बेस करके आपके स्टिकर्स आपका बन जाएगा। डेको पिक भी कुछ फनी फेस बनाने के लिए काम में आता है और बहुत ही यूज़फुल फीचर्स है ये। बिक्सबी का फीचर यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है और यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल बिक्सबी नहीं, यहाँ पर बिक्सबी वॉयस का सपोर्ट भी आप लोगों को मिल जाता है। देख सकते हैं बिक्सबी डिटेक्शन, बिक्सबी वेकअप और बिक्सबी के बाकी सारे फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ पर फुल फ्लेज्ड आपको बिक्सबी देखने को मिलता है। दूसरे बहुत सारे डिवाइसेस में फुल फ्लेज बिक्सबी नहीं होता है। A52 से A52 के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को फुल फ्लेज बिक्सबी देखने को मिलता है और यहाँ पे बिक्सबी की मदद से आप लोग अपने फ़ोन को वेक कर सकते हैं, फ़ोन के अंदर कमांड दे सकते हैं, फ़ोन में कुछ भी काम करा सकते हैं बिक्सबी की मदद से, किसी भी ऐप को आप ओपन करने के लिए बोल सकते हैं। और दोस्तों बिक्सबी के ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, बिक्सबी को कैसे सेटअप करना है, बिक्सबी में क्या क्या कमांड आप लोग डाल सकते हैं, तो उसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा पुराना वीडियो है लेकिन फीचर्स सिमिलर होंगे और साथ ही में प्रोसेस भी सेम होंगे। कैमरा यूआई में देखेंगे तो यहाँ पे सिंगल टेक का फीचर दिया गया है, जिसके मदद से आप एक ही क्लिक से मल्टीपल फोटोज़ और वीडियोस भी बना सकते हैं। देख सकते हैं मैंने कुछ सेकेंड का एक वीडियो कैप्चर किया और उसके मदद से ही देखेंगे तो यहाँ पे सिंगल टेक कितने सारे आउटपुट्स निकाल देगा। देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो है, जिफ है, ये सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को एक ही सिंगल टेक के अंदर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा सैमसंग गैलेक्सी A52 के टिप्स एंड ट्रिक्स और उसके फीचर्स। मुझे उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आप लोगों को और भी ऐसे वीडियोज़ देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और आपका दिन शुभ हो।